अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास इफ बट कैन कुक सो कैन यू की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। ये पीछे आप देख रहे हैं मेरी असिस्टेंट नैनी, मैं उनको दिखाऊंगी क्योंकि इस टाइम पे बेचारी काम कर रही हैं और ये टैक्स साफ करके दे रही हैं। बाय द वे, ये जो मैंने हंटर बीफ अभी लेके आया था अजमेर बेकर से वो है, और आयशा हैज बीन काइंड इनफ। ये आयशा ने, आयशा जी प्लीज मुझे जरा ये हर्ब बटर के बारे में कुछ बता देंगी आप? ये मिक्स हर्ब्स है और उसके साथ मैंने बटर को सॉफ्टन करके जो रूम टेम्परेचर है उसको मिक्स करके रख दिया। ये अब हम स्लाइस के ऊपर लगाएंगे ताकि आप उसको मजे से ग्रिल कर सकें। बेसिकली हम अपने हंटर बीफ के साथ एक जबरदस्त सैंडविच बनाने लगे हैं। ये तमाम वो खूबसूरत किस्म के हमारे अपने होम ग्रोन वेजिटेबल्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। ये आयशा ने, आशु जी आपने ये मैंने मशरूम्स एंड जो अनियंस है, इसको मशरूम एंड अनियंस है, ये मैंने इनको सौते करके कैरमलाइज करके इसको रखा है। ये भी हम अपने सैंडविच बना लेंगे। तो बेसिकली बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम अपने हंटर बीफ सैंडविच, जो कि सर्दियों में दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट सॉर्ट ऑफ सैंडविच यू कैन हैव। हम अपने हंटर बीफ के साथ चीज और ये तमाम वेजिटेबल्स इस्तेमाल करेंगे एंड वी आर गोना यूज अ पनीनी मेकर। आपके पास अगर पनीनी मेकर नहीं है, नो इशू, यू कैन मेक इट इन अ रेगुलर सैंडविच मेकर आल्सो, एन अ ग्रिडल और अ पैन। हाँ, आप आराम से तवे पे भी बना सकते हैं, बचपन में हम तवे पे भी बनाते थे। आई एम श्योर आप सब लोग अग्री करेंगे एक अच्छे सैंडविच के लिए प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट डबल रोटी फुल टाइम नरम होनी चाहिए। और ये आयशा ने ऊपर हर्ब बटर लगा दिया। अब ये बटर जो है ये समझे कि आउटर साइड पे लगेगा, तो हम लोगों ने ये पहले बना लिया ताकि हम ऊपर रखेंगे। बाय द टाइम हम इसको पनीनी में डालेंगे फिर हम दूसरी तरफ बटर लगा देंगे। तो अभी हम ये सैंडविच का, सो इट्स गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ बटर एंड चीज एंड हंटर बीफ। आई एम श्योर इसके बाद सैंडविच का बुरा बनना बहुत मुश्किल काम है। अभी जी कुछ मिनट से मेरी और आशु की जो बेसिकली डिस्कशन यही चल रही थी कि हमने उसको फिलिंग किस तरह करनी है। सो दिस इज व्हाट वी हैव कम अप विद। ये पहली लेयर हमने जी मस्टर्ड की लगाई है, और मस्टर्ड के बाद हम क्या लगाने लगे हैं आप बताएं? आई थिंक चीज लगा देते हैं ताकि वो जो है उसके साथ ना चिपक जाए। हाँ, ये चीज बेसिकली सीमेंट वाला काम करती है। ये श्रेडेड मोज़रेला चीज है। ओके, ठीक है, अगेन इट्स योर चॉइस, आपने कितनी इसको कितना चीज डालना है, कितना चीजी बनाना है। बहुत ज्यादा चीज का ये होता है कि फिर वो ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाती है। ओके, सो मोहम्मद अली डजंट वांट ग्रीन्स इन इट, बट आई Actually, I want the greens as a salad on the side. You can have it on this. Okay, but ek zara serious, aap yakeen mane, this looks like an artificial leaf. I know. Leaf. Mashallah, mashallah. Yehi hota bhi jab aap ghar pe koi cheez grow karenge, to phir uska ek apna desi touch. Just look. Yeh nahi main daliye, main side pe dalungi. Bas not more than this. अब हम ये कैरमलाइज अनियंस की हल्का सा ये डालेंगे। अगेन नॉट टू मच, ये कहीं कहीं अच्छा लगता है। Unless until आप इसको सिर्फ कैरमलाइज अनियंस और मशरूम्स का बना रहे हैं। बेसिकली जो मशरूम्स हैं उसका जो टेक्सचर है, बट जो कैरमलाइज्ड ऑनियन का एक वो स्वीट सा वो फ्लेवर आता है ना, वो दैट इज गोइंग टू बी, यू आर गोइंग टू लव इट। ठीक है, सीरियसली मैं तो आपको बताऊं आशु, ऐसी सैंडविच इतना खूबसूरत लग रहा है कि ओके, सो नाउ दीस थिनली स्लाइस हंटर बीफ, इसको आपको ग्रिल करने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स पुट सम चीज ऑन टॉप एंड सम टोमेटोस। लेट्स पुट सम टोमेटोस, उसके ऊपर चीज। ओके बॉस, जैसे आप कहें वही सही है, हम तो ये जो खामोशी है ना, ये वही वाली खामोशी जो हर मियां समझ गया होगा क्योंकि बीवी ने डेले दिखा रही थी। डायलॉग तो पुराना है लेकिन सुन के अच्छा ही लगेगा। प्यार में मोहब्बत की और सैंडविच में सीजनिंग की कमी नहीं होनी चाहिए। तो लो जी, हम लोग अब इसमें नमक और फ्रेशली ग्राउंडेड पेपर यूज करें। आप यकीन माने कि चाहे आप स्टेक बना रहे हो, चाहे आप कुछ चाइनीज खाना बना रहे हो, ये फ्रेशली ग्राउंडेड पेपर ना, इसका एक अपना ही टेस्ट, अपना ही एक अरोमा होता है। और ये आयशा जी अपने मोहब्बत की तरह तीखी तीखी मिर्चें ऐड कर रही हैं। इस चीजी डायलॉग के बाद जो मोहम्मद अली ने बोला है, उसके बाद चीज ऐड करना बहुत जरूरी हो गया है। सो ये चीज, एक स्लाइस चीज हम डाल रहे हैं, जैसे येलो चेडर चीज। ठीक है जी, ये बहुत ये येलो का ना वैसे एक और भी फायदा होता है, इट मेक्स द फूड लुक्स मोर एपेटाइजिंग। सो लो जी, ये सारा कुछ डालने के बाद अब ये हमारा जंबो साइज सैंडविच जो है रेडी हो गया है, और अब हम इसको पनीनी मेकर जो कि हमें एम्बेसडर किचन वालों ने गिफ्ट किया था, वी आर गोइंग टू यूज इट। देयर वी गो। आयशा जी आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ क्योंकि आई लव द हंटर बीफ। यस, हियर यू गो। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा, आई वॉन्ट यू टू कट इट इन फोर बिकॉज आई वॉन्ट द प्रेजेंटेशन टू बी लाइक अ माउंटेन वाला। वो देखो जी, ओ देखो जनाब, ऐ देखो, ऐ भी देखो, ते मौजा करो। तो मुलायजा फरमाइए,
ये देखें जी हमारा हंटर बीफ टावर, हंटर बीफ सैंडविच टावर, इट लुक्स सो गुड। और ये देखें जी ये हमारे क्योंकि होम ग्रोन बेबीज हैं, आशु ने खुद अपनी मेहनत से इनको ग्रो किया है। द सैलड लीव्स एंड दिस डिलीशियस ट्रीट स्पेशली फॉर विंटर नाइट्स, एंजॉय।